Hello students, in our last video we have done till page number 59. Now on page number 60, कुकिंग का मतलब होता है खाना बनाना. खाने बनाने में क्या बताया है कि इसमें जब हम एक एग को बॉयल करते हैं तो एक हार्ड सब्सटेंस में बदल जाता है, ना कि सख्त हो जाता है, और उसका टेस्ट भी अलग हो जाता है. और उसी तरीके से जैसे हम दालें पकाते हैं, सब्जियां पकाते हैं, चावल को पकाते हैं, तो उसका रिज़ल्ट क्या, एक अलग तरीके से एक न्यू सब्सटेंस में वो सामने प्रेजेंट होती हैं. तो ये क्या है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं केमिकल चेंजेस के. उसके बाद हमारा आता है हाउ टू मेक चेंजेस टेक प्लेस. चेंजेस प्लेस जो है, जो चेंजेस होते हैं वो कैसे अपनी जगह लेते हैं. तो पहला चेंजेस है वो है कॉज्ड बाय हीटिंग और कूलिंग. अब हीटिंग और कूलिंग में क्या होगा, हीटिंग और कूलिंग चेंज फर्स्ट है इसका, और ए पार्ट है इसका चेंज इन टेम्परेचर. व्हेन जब हम किसी गैस स्टोव को पानी को रखते हैं, गैस स्टोव चलाते हैं और पानी को रखते हैं, तो क्या होता है वो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो क्या हो जाता है, उबल जाता है, गर्म हो जाता है. और ये क्या बिकम्स, ये क्या है, एक हीटिंग प्रोसेस है. और इसी तरीके से, इसी तरह जब हम पानी को फ्रीज़र में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में, ऊपर फ्रीज़र जैसे हमारे पास होता है बर्फ़ जमाने वाला, उसमें रखते हैं, तो क्या होता है पानी का तापमान कम हो जाता है और क्या हो जाती है, बर्फ़ जम जाती है. और ये क्या है, ठंडी होने पर कूलिंग. जो पानी गैस पे गर्म किया वो हीटिंग हो गया, और जो फ्रिज में रखा वो कूलिंग हो गया. तो द हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेस गोज इन नेचर ड्यू टू द हीट ऑफ सन. जो अगर हम पानी को थोड़ा गर्म भी करना चाहें तो हम वो सन, सूरज की रोशनी में रखेंगे तो वो गर्म भी हो जाएगा. उसके बाद हमारा आता है एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल्स. यानी कि एक एक्सपेंशन होता है कि उसका बढ़ना, उसका विस्तार, और जो कंस्ट्रक्शन यानी कि उसका संकुचित यानी कि उसका सिकुड़ना, वो बताएंगे. इसमें क्या है कि जैसे हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी गर्म होने पर स्टीम बन जाती है, स्टीम बनने पर वो एक भाप का रूप ले लेती है. और ये क्या है, मटेरियल चेंज हो गया, स्टेट उसकी अपनी चेंज हो गई. और जब हम पानी को ठंडा करते हैं तो वो भी एक चेंज हो जाता है, एक बर्फ़ के रूप में, पानी ठंडा होने पर. तो इसके जो है इफ़ेक्ट अलग अलग हैं, हीटिंग का और कूलिंग का अपोजिट जो है वो इफ़ेक्ट होता है. और हीटिंग जो सब्सटेंट है वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है और एक्सपेंशन हो जाता है डिफरेंट में, जैसे सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस. और गैसेस क्या है, मोस्ट वाइल्ड एक्सपेंड द लीस्ट, यानी कि बहुत ही अलग. जैसे हमारे नीचे एक टैल दे रखा है आपको ये टेबल, तो आप जब हम इसको पढ़ोगे तो आपको इसमें पता लग जाएगा सारा, ठीक है. उसके बाद हमारा सेकंड आता है चेंजेस कॉज बाय प्रेशर. अब प्रेशर क्या है, प्रेशर यानी कि दबाव. अब दबाव से कैसे होता है कि जैसे चेंज इन शेप एंड साइज, जब हम उसका शेप और साइज चेंज होता है. जैसे हम गुब्बारा है, गुब्बारे को जब हम फुलाते हैं, हमारा जो हवा है मुंह से हम फुला रहे हैं तो हमारे जो मुंह की हवा है वो उसमें बढ़ जाती है, तो क्या होता है उसकी शेप चेंज हो जाती है, उसका साइज चेंज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है वो. तो ये क्या है, एयर जो है वो, जो हवा है वो गुब्बारे में भर जाती है और वो उसको अपने शेप दे देती है, ठीक है. इसी तरीके से जब हम एक फ्लफ़ी, हमारे पास कुशन है, एक हमारे पास बॉल है, या हमारे पास कोई छोटा सा कोई टुकड़ा है, या कोई ऊन का गोला है, जब हम उसको, ऊन के गोले को या हम किसी कुशन को हम उसको दबाते हैं तो वो अपना चेंज कर लेता है शेप. जैसे हमारे पास कोई बॉल है, मान लो स्पंजी बॉल है, स्पंज बॉल को अगर आप उसको अपने हाथ में रखते हो और आप उसको पूरा का पूरा अगर उसको प्रेस आउट करते हो तो क्या होता है, वो अपना अंदर हो जाता है, प्रेस हो जाता है स्पंज बॉल, तो क्या है वो एक शेप चेंज हो रही है. तो वो क्या है, एक शेप और साइज चेंज होने के लिए प्रेशर से. अगर एक बैलून में गैस वाले गुब्बारे होते हैं ना, अगर उसमें गैस भरी जाए तो वो अपना क्या करते हैं, शेप और साइज जो है वो चेंज कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग. उसके बाद हमारा आता है ब्रेकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स. जब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या, जैसे कोई चीज़ है, जैसे कोई ग्लास है, बिस्किट है, कोयला है, उसको हम तोड़ते हैं तो वो पीसीस में बिखर जाता है. और ये क्या, इरिवर्सिबल चेंज. अगर आप बिस्कुट को तोड़ देंगे तो वो दोबारा जुड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो इरिवर्सिबल, वो टूट चुका है. अगर आप कांच का गिलास आपसे टूट गया, कप टूट गया, तो वो नहीं जुड़ेगा, क्या, इरिवर्सिबल, जो चेंज नहीं हो सकता. के बाद हमारा थर्ड है चेंजेस कॉज बाय मिक्सिंग, यानी किसी किसी चीज़ में मिक्स करने के बाद. जैसे ये मैनी चेंजेस रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, फिजिकल और केमिकल, बाय मिक्सिंग सब्सटेंस, इन सबको मिक्स करने पे होता है ना. जैसे कि पानी में नमक को घोला तो क्या हो गया,
वो सॉल्ट का सोल्यूशन बन गया, एक नमक का घोल, जैसे नमक चीनी का घोल, एक फिजिकल चेंज है जो घुल के एक हो गया। उसके बाद जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हमने पानी और नमक का सोल्यूशन बनाया, तो वो क्या है, पानी के उसमें बन गया फ्रॉम इट सोल्यूशन। तो क्या है ये रिवर्सिबल चेंज है, सो वी कैन से दैट इट इज़ रिवर्सिबल चेंज। और जब हम इसमें क्विक लाइम पानी मिक्स करते हैं, पानी के बीच में जब हम नींबू मिक्स करते हैं, तो क्या है ये एक नमकीन खट्टा मीठा पानी जिसे हम कहते हैं वो चेंज हो जाता है। क्या ये केमिकल चेंज है, अब ये चेंज नहीं हो सकता। अगर आप नमक और उसमें अगर आप चीनी डालते हो, चीनी नहीं घोलते, अगर उसको निकाल देते हो तो चीनी अलग हो गई, पानी अलग हो गया। अगर आप नींबू डाल देते हो तो वो चेंज ही नहीं होगा, पानी का टेस्ट खट्टे में आ जाएगा। तो क्या होगा, ये इरिवर्सिबल है, ये चेंज नहीं हो सकता। इसी प्रकार आपको इसी तरीके से ये एक्टिविटी भी पढ़नी है जो नीचे दे रखी है ना, ये जैसे रिएक्शन कैसा होता है। तो आप ये जो इस चैप्टर की सारी एक्टिविटी कर लेना, ठीक है। दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर, नाउ रीड इट वेरी केयरफुली, ओके।